नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां टेस्ट चैंपियनशिप में मिली हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 20 दिन का ब्रेक मिला था। टीम इंडिया के खिलाड़ी इस वक्त बायो बबल से भी बाहर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई है। इंग्लैंड में क्रिकेट को जैसे कोरोना वायरस ने अपनी जकड़ में ले लिया है। ये केवल इंग्लैंड टीम तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 2 भारतीय क्रिकेटर भी यूके में इसकी चपेट में आ गए हैं। इनमें से 1 खिलाड़ी का टेस्ट अब नेगेटिव पाया गया है, वहीं दूसरे का टेस्ट 18 जुलाई को होगा, क्योंकि तब तक उसका 10 दिन का आइसोलेशन समय पूरा हो जाएगा। एनआई से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही खिलाड़ियों को कोरोना के कोई लक्षण नहीं है और उनका टेस्ट पॉजिटिव तब आया था जब उन दोनों को मामूली जुकाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खिलाड़ी अपने रिश्तेदार के घर पर आइसोलेशन में हैं। बायोबल से मिले 20 दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार को सभी खिलाड़ी वापस से टीम में जुड़ेंगे। एनआई की खबर के मुताबिक भारतीय टीम के इस खिलाड़ी को कुछ दिन पहले गले में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। टीम इंडिया का ये खिलाड़ी डरम में बाकी खिलाड़ियों के साथ कैंप में शामिल नहीं होगा। इस प्लेयर के संपर्क में आए खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स को 3 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी भी इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। बता दें, टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पहला टेस्ट मैच 4 अगस्त से शुरू होगा, वहीं दौरा 14 सितंबर को खत्म होना है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कोविड-19 का दूसरा टीका भी इंग्लैंड दौरे के दौरान ही लगाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले और मामले कोरोना के सामने न आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।